రైట్ హైదరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు చాలామంది రౌడీ షీటర్ల పేరు విన్నాము, దాంట్లో పురుషుల రౌడీ షీటర్లే ఎక్కువగా వింటుంటాం. కానీ హైదరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు వెలుగులోకి రానటువంటి ఒక లేడీ రౌడీ షీటర్ ఉందనే విషయం కూడా ఎవరికి తెలియదు. మనం ప్రస్తుతం ఫరా ఖాన్ ఏదైతే పేరు మోసినటువంటి రౌడీ షీటర్ ఉన్నారో వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే ఫరా ఖాన్ గారు. నమస్తే. జనాలు ఎందుకు ఫరా ఖాన్ అంటే గుర్తుపట్టట్లేదు, ఫరా ఖాన్ అంటేనే గుర్తుపడుతున్నారు, ఆ టైటిల్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు? देखिए भाई, बात तो ये है, अगर कोई इंसान के नाम से खौफ खाना, उसकी पर्सनालिटी से खौफ नहीं खाना, उसके नाम से खौफ खाना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है. क्यों? फरा इक्वल फरा और फरा डॉन सेम है ना, बोथ आर सेम, नाम डिफरेंट डिफरेंट है. ये मेरा नाम है फरा खान, वो नाम जो है क्या बोलूँ जनाब, मीडिया और पुलिस के करता धरता लोगों का दिया हुआ दान है एक मेरे लिए, क्या बोलना चाहिए उसको, एक गिफ्ट है मेरे लिए. इसलिए पब्लिक है सो वही नाम से जानने लगी और वही नाम के ऊपर लोग डरते में से कि क्योंकि उनको इस तरीके से गाइड किया गया, इस तरीके से मेरे को उनके सामने बताया गया ये कि फरा डॉन डेंजरस लेडी है, किसको भी मार देती, किसका भी मर्डर कर देती, एक कॉमन बातें लगा दी मेरे बारे में. तब पब्लिक को यही एक फियर बैठ गया कि भाई फरा डॉन इज डेंजरस लेडी, राइट? మీరు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయలేదు అని అంటున్నారు, కానీ పోలీస్ రికార్డ్స్లో ఫరా డాన్ కిడ్నాప్ చేసింది, గన్స్ యూజ్ చేసింది, చాలామందిని కిరాయిదారులను బెదిరించింది. ఫరా డాన్ హిస్టరీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్తే చాలా దారుణంగా అన్నాడు, ఒక లేడీ అని చూడకుండా కూడా ఈ రకంగా భయపెట్టింది కాబట్టి పోలీస్ రికార్డులోకి ఎక్కించామని అంటారు. ఇది నిజమేనా, మీరు యాక్టివిటీస్ చేసిందని? దేఖో రాజ్, ఆప్సే ఖుల్లీ బాత్ బోలూ మై, మై యహీ బైఠీ హువీ హూ. ఆప్ మీడియాకే ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హే, आपको ना कमिश्नर से जाके मिलने में कोई आपको प्रॉब्लम होंगी, ना आप जाके कोई मीडिया से जितने भी सीनियर लोग हैं उनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही ऐसा है. तो आप ये बात ये पता कीजिए, मेरी रौडी शीट डबिलपुरे में है. हाउ लॉन्ग टाइम हुआ मेरी रौडी शीट ओपन हो के? 2003 में, ठीक है, राइट? उसके बाद 2003 में मेरा नाम फरा खान से फरा डॉन पड़ा. कितने केसेस फाइल होना था, किडनैप केसेस, टॉर्चर केसेस, जितने भी है मर्डर केसेस एंड ऑल. आप ये देखिए, मेरी पहले रौडी शीट देखिए आप, उसके अंदर केसेस कौन से कौन से साल के अंदर मेरे पे केसेस फाइल हुए. ये एक दो पार्टी की फाइट थी, वो दो पार्टी की फाइट के अंदर जब सामने वाला एक के साथ कुछ अटैक किया तो उन्होंने उससे रिवेंज लिया. ये दो पार्टी का जो ये पूरा चला, ये 3 साल चला. उसी टाइम में मेरा नाम फरा डॉन एंड ऑल ये सारे चीज़ें पड़ गए. तो वही टाइम में जो मेरे पे केसेस ये दोनों पार्टी के बीच में जो फाइल हो रहे थे उसमें मेरे को भी नंबर वन में रखना शुरू कर दिए. हर जगह फरा डॉन केस फाइल, कहीं भी नाम आ रहा चलो इसको केस में बुक कर दो. मेरे पे केसेस फाइल होना हो गए हैं तो मेरे एक्टिविटीज़ के हिसाब से बहुत ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ केसेस होना चाहिए था, राइट? ओके, मी क्रिमिनल एक्टिविटीज ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఎన్ని కేసెస్ మీ పైన ఉన్నాయి, ఇప్పటివరకు ఎన్ని క్లియర్ అయ్యాయి కేసెస్? పూరే కేసెస్ ఎక్విటల్ హై మేరే, జిత్నే కేసెస్ మేరే పే జో पीटी केसेस जो थे वो तो सारे लोग उन्होंने आके कोर्ट में मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ किया, हॉस्टल हो गए वो लोग पूरे. और बाकी जो मर्डर केसेस थे उसके अंदर लोग हॉस्टल भी हो गए और खुद जुडिशल ने हमको एक्विटल किया हमारे केसेस. మీరు అంటున్నారు అన్ని చిన్న చిన్న కేసెస్ దాంట్లో నేను ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు అంటున్నారు, కానీ పోలీసులు మీ పైన తడిపార ప్రయోగించారు. తడిపార అంటే సిటీలోకి ఫరా. అచ్చా సవాల్ కరే, మై ఏక్ బాత్ యే పూచ్నా చా రహీ థీ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर अटैक हुआ था. वो टाइम में उन लोगों ने अपने रिवेंज के लिए सारे रौडी शीटर्स को तड़ी पार कर दो बोल के उन्होंने जाके सीआई साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो जो भी रौडी शीटर्स ये सारे लोग हैं अब एक्टिव हैं उनके ऊपर पूरों पे केसेस फाइल कर दो. जबकि मैं खुद MIM पार्टी में जब थी, मैं पार्टी से जाके मौलाली से मैं
कॉर्पोरेटर इलेक्शन में मैं इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन फाइट करी मैं, फिर मेरे को तो बुक करने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि मैं कोई एक्टिव नहीं बोल सकती वो टाइम, मैं खुद एक पार्टी में काम कर रही हूँ तो मैं कहाँ से एक्टिव हो जाऊँगी। तो वो टाइम पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस, इससे तो अच्छा ये है कि मैं इन जैसे लोगों को सवाल का जवाब दूँ और खुद एक प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स में आने से अच्छा है मेरा जो मकसद है, क्या क्या मकसद था मेरा, मेरा मकसद ये था कि मैं औरत के लिए फाइट करूँ। जो कुछ मेरे पे मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ अगर हो रहा तो मैं देख के चुप नहीं रही, उनके लिए फाइट करी मैं बराबर। महिला कोसम నేను ఫైట్ చేస్తున్నా అంటున్నారు। ఎగ్జాక్ట్లీ డెక్కన్ మహిళా అసోసియేషన్ పేరుతో కూడా ఫరానా డాన్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతుంది, అఫీషియల్ గా పెట్టుకొని బెదిరింపులు చేస్తుంది, ఇంకా కూడా ఈ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ లోనే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనేది మీ పైన అలిగేషన్స్। ఎలిగేషన్స్ జో బి మే పే హై బిల్కుల్ రహనే తో భాయ్ మేకు కోయ్ ఫరక్ నే పడతా సచ్ బోల్ రహీ హూ। Yes. और लगाओ थोड़े सारे, क्योंकि अभी बहुत टाइम से एलिगेशन कोई भी नहीं लगा रही, मीडिया भी नहीं लगा रही, पुलिस भी नहीं लगा रही, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, सही इरिटेट हो रही हूँ। भाई आप भी याद करो कभी मेरे को, मीडिया भी याद करो, पुलिस भी याद करो, एलिगेशन ही लगा के याद करो। बिल्कुल क्या बात कर रहे बोलो आप, कौन सी बात के ऊपर? मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ, जैसा कि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप मीडिया से हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं जो बोले वो बेट लगाने तैयार हूँ। मेरे को प्रूफ कर दो खाली के फरा कोई प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा करी, कोई गरीबों को, कोई बिल्डर्स को, कोई भी हिसाब से किसी को भी टॉर्चर करी, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग में कहीं फरा का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी क्राइम एक्टिविटीज़ है उसमें मेरे को लेके आके प्रूफ कर दो। కానీ మీ పైన 12 కేసులు పెట్టినప్పుడు మీరు కోర్టు ద్వారా ఎందుకు ఛాలెంజింగ్ గా చేయలేదు? పోలీసులు నా పైన ఇల్లీగల్ గా కేసులు పెడుతున్నారు। ఫరా కిస్కు కై కుమారి వో తో నికాల్ కే బతావ్ వో కేసెస్ జిస్కే ఉపర్ భీ మేరే కో కేసెస్ మేరే పే జో పుట్ అప్ పుట్ ఆన్ కరే థే జో కేసెస్ బుక్ కరే థే మేరే పే ఫైల్ హుయే థే కేసెస్ క్యా వజహ థీ ఇస్కే బిహైండ్ మే క్యా మతలబ్ క్యా థా ఇస్కే రీజన్ క్యా థా యే తో మాలూమ్ హోనా చాహియే నా। అబ్ జైసా కి మే ఆప్కో బోల్ రహా హూం మేకు తడీ పార్ దియే, क्या रीजन था भाई तड़ी पार देने का? जिसपे केसेस ही नहीं है, पीडीआई किसके ऊपर केस बुक करते बोलो? पीडीआई जो बहुत ज्यादा डेंजरस केसेस में है, मर्डरिस्ट है, डकैती करने वाला है, किडनैप्स कर रहा, सो ऐसे एक्ट जिसको सूट करते वो लोगों के ऊपर पीडीआई बुक होता। पुलिस ने दो बार मुझको एक ही साल में पीडीआई बुक किया, मगर सेकेंड टाइम में क्यों किया वो मेरे को, मैं उनकी थैंकफुल हूँ क्योंकि वो लोग मेरी जान बचाने के लिए किया। क्यों? जो बात हक है वो बोलना ज़रूरी है। आप सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हैं सामने वालों पे, दैट इज़ नॉट फेयर। पुलिस ने कहीं मुझे सपोर्ट भी किया, कोई ऑफिसरों ने किया, डिपार्टमेंट ने नहीं किया, कुछ ऑफिसरों ने किया मेरे। तो वो टाइम पे गांधी सर, आई डोंट नो कहाँ है, आई हैड्स यू सर, तो गांधी सर ने मुझे पीडीआई के लिए जाके स्पेशली रिक्वेस्ट करके दलवाया कि अगर फरा बाहर आती है तो इसका मर्डर हो जाएगा। वो टाइम ऐसा चल रहा था, तो उन वो सेकंड टाइम जो हुआ एग्री विथ हिम। अगर पहली बार जो मेरे को पीडीआई डाले और मीडिया जो वहाँ पे मेरे को मेरा इश्यू बनाई और ऐसा जो मेरे को एक्सपोज करी, समझ रहे हैं, पब्लिसिटी दी मीडिया ज़्यादा, वहां से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। फरा डान पैना सही बोल रही हूँ खुदा की कसम, वहां से हर किसी के पास एक सुनिया बाप, एक मैं अपनी लाइफ जीना ही भूल गई मैं। क्या फरा डान बोले तो अरे क्या है भाई ये, अरे कहीं जाओ कहीं आओ, एक मतलब किसी से मिलो, अपने एटीट्यूड में रहो बस हर जगह। आप एक आम इंसान की तरह नहीं जी सकते। हाँ मेरे बच्चे ये सब चीजों से, मेरे बच्चों को सफर करना पड़ा। कौन जिम्मेदार है इसके? कौन जिम्मेदार है? मेरे बच्चे जाके आराम से पढ़ने, स्कूल को जाने, कहीं निकलने आने जाने के लिए सोचना पड़ा। क्यों मेरे पड़ा ननकुनारा नेनु जैसे एक्टिविटीज लो कूडा मा पिल्लल कूडा इन्वॉल्व अवुतारेमो
మా ఫ్యామిలీ కూడా సఫర్ అవుతుందేమో అని ఆలోచించి ఆ పిల్లల్ని ఈ క్రిమినల్ వైపు రాకుండా వాళ్ళ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా? మేరే బచ్చోనే జబ్ మేరీ లైఫ్ కు దేఖి తో ఖుద్ వో అప్నే స్టెప్స్ కు బ్యాక్ లే లియే ఓ ఇవన్ ఇత్నా ఉన్కో రహా కే భై హమ్ జాకే కహీ ఆరామ్ సే ఘూమింగే ఫిరింగే కహీ ఫ్రీడమ్ సే కహీ ఆయెంగే జాయెంగే వో ఉత్నా భీ నే జాతే కహీ వో లోగ్ సోషల్ బహుత్ కమ్ హై सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत कम है वो बच्चे क्योंकि उन लोग नहीं चाहते भाई उन लोग चाहते एक साधारण लड़कियों की तरह हमारी लाइफ हो उनको नहीं पसंद है सारे चीज़ें करना फराडान पैना इन्नी साल पीडी एक्ट प्रयोगिंचारो इन्नी केसेस मीदा बेटारो इलांटी केसेस में मीदा मोपारो दो बार मेरे पे पीडी एक्ट हुआ 2003 में एक बार मेरे को हाई कोर्ट एक्विटल किया फिर उसके बाद मेरे को बोर्ड मीटिंग में चूंकि बोर्ड मीटिंग के जो जज थे वो वन ऑफ जो थे वो मेरे डैडी के बहुत क्लोज थे क्योंकि उनको पता था कि शब्बीर अली कौन है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है सारे चीज़ों से वाकिफ थे वो लोग तो वो समझ सके मेरी बात को और उन्होंने एक्विटल किया मेरा केस वो बोर्ड मीटिंग दो ना मेरे को जुडिशल में दो साइड से भी मेरे को कन्फर्म नहीं हुआ था पी डी एक्ट मतलब ये कि दो बार भी पुलिस में पे पी डी एक्ट डाली तो दो बार भी एक्विटल जुडिशल ने किया क्योंकि उनको यकीन था कि ये जो फरा के साथ कर रही बहुत गलत कर रही ఇది నిజమేనా అప్పటిలో 2000 నుంచి ఏదైతే ఫరా క్రిమినల్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసిందో ఒక గ్యాంగ్ గా ఏర్పాటు చేసి గ్యాంగ్ ని ఎక్కడైతే కిరాయిలదారులు ఇల్లు ఖాళీ చేయకపోతే ఫరా మెంబర్స్ వచ్చి బెదిరించడము ఇది వాస్తవమేనా పోలీసులు మోపిన విధంగానా దీన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారా గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేసింది ఫరా ఓకే ఓకే దేఖియే భాయి గ్యాంగ్ తో హర్ హిసాబ్ సే మెయింటైన్ కన్నా హై హర్ కిసీ కు యే జమానే మే సింగల్ తో కోయి జీ నే సక్తా ఏక్ సెకండ్ మే ఉస్కా గేమ్ బజా జాతీ అగర్ ఉన్నే గ్యాంగ్ మెయింటైన్ నే కరా తో భాయి క్వీన్ ఆఫ్ पार्लियामेंट बना के आप मेरे को छोड़ दिए क्वीन ऑफ रोडी शीटर बना दिए मेरे को क्वीन ऑफ रोडी शीटर बना दिया आप मेरे को तो मेरे रैवल्स भी बन गए फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट तो मेरे को तो गैंग मेरे लिए तो मेरे सपोर्टर्स को रखना जरूरी है ना एक्टिविटीज चाहिए वो अन्ना पड़ो मेरे गैंग इन मेंटेन बताई तो सही हूँ मैं आपको कि अगर मैं गैंग मेंटेन गैंग क्या गैंग मेंटेन करी चोरों की गैंग मेंटेन करी हाँ रोडी शीटरों की गैंग मेंटेन करी व्हाट इज दिस बिल्कुल गलत बात है भाई मैं जो भी काम करती हूँ मेरी गैंग कैसी है किसी को जाके हेल्प करना एट ए टाइम हाँ मेरी सेफ्टी के लिए मेरे प्रोटेक्शन के लिए तो मेरे को रखना पड़ेगा ना एक बात दूसरी मेरे साथ जो काम करते वो लोग जो किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा उनके लिए हेल्प करने जाते बस यही हद तक का मेरे को गैंग की जरूरत है अदरवाइज मेरे को कोई गैंग की जरूरत नहीं है बाबा फराडान తన కుటుంబంలో ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ని అడ్డుపెట్టుకొని ఈ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ సాగుతుంది అనేది మీ పైన అలిగేషన్ మేరే దాదా జో హై మేరే డాడీ నే కరే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మే మే డాడీస్ కే బాద్ సే కోయి భీ పోలీస్ మే నహీ హై మేరే దాదా తక్ పూరే పూరే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ థే మేరే ఫోర్ ఫాదర్ తక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మే థే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అడ్డుపెట్టుకొనే ఫరా క్రిమినల్ గా మారింది క్రిమినల్ ఇంటెక్షన్స్ పెరిగాయి క్రిమినల్ ఆలోచనలు పెరిగాయి కాబట్టి ఫరా డాన్ లాగా మారింది అంటారు अगर मेरा मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग्स रखती हूँ मेरी फैमिली बैकग्राउंड अगर पुलिस डिपार्टमेंट था तो इसका ये मतलब होना था कि मैं भी कोई हायर पोस्ट पे जाना था कोई आईपीएस ऑफिसर बनना था मैं क्रिमिनल कहीं को बनती हूँ मतलब आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल्स होते क्या मतलब जो पुलिस होती इसका मतलब वो क्रिमिनल्स होते आप अपने मुँह से खूब बोल रहे हैं कि पुलिस क्रिमिनल्स पुलिस आर क्रिमिनल्स भाई आप मेरे से सवाल करें कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ बोल के उन वो मेरे रिलेटिव्स पुलिस है बोल के मैं मेरा माइंड क्रिमिनल बनाए क्या सवाल करें आप तो मैं आपको ये जवाब देना चाह रही हूँ कि पुलिस आर क्रिमिनल्स क्या पुलिस क्रिमिनल्स होते अगर वाकई पुलिस क्रिमिनल्स होते तो मैं भी क्रिमिनल बनी तो आप मीडिया खुद बोल रही कि पुलिस आर क्रिमिनल व्हाट इज दिस ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే 12 కేసెస్ అంటున్నారో ఈ 12 కేసెస్ మీ పైన క్లియర్ అయినట్టేనా మీ దగ్గర రౌడీ షీట్ పూరే క్లియర్ హో గయే భాయి ఆప్ లోగ్ జాకే పతా కర్ సక్తే మే ఆప్కు 10 బార్ బోల్ ది కే మేరీ రౌడీ షీట్ యాస్ పర్ లా యాస్ ఖానూన్ కే హిసాబ్ సే మేరే కు పోలీస్ ఖుద్ క్లోజ్ కర్నా చాహియే థా మేరే యాక్టివిటీస్ కు దేఖ్తే హువే ఓకే
अभी मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए था पुलिस, उसके बावजूद भी मैं कोर्ट में मेरा केस डालते ही रॉडी देख देख के, मैं 17 साल हो रहा मेरी रॉडी शीट ओपन हो गए, 7-9 ईयर से मेरे पे कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, उसके बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं जाके एक बार इस जोन के ADCP से मिली थी, सर के मेरा रॉडी शीट क्लोज करो आप लोग, कि भाई मेरे तो कोई एक्टिविटीज़ है नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस में मेरा कोई केस बुक भी नहीं है मेरे पे, क्रिमिनल केसेस सो मैनी ईयर्स बैक से मेरे पे कोई केसेस नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ डिपार्टमेंट को ही चाहिए कि आपके ऊपर रॉडी शीट क्लोज करो, अभी तक नहीं किया तो हम लोगों ने कोर्ट में कोर्ट में हम लोगों ने केस डाला कि हमारी रॉडी शीट क्लोज करना। तो मेरी चाहने वाली पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे पे काउंटर डाल दिया, पुलिस नहीं चाह रही कि फरा पैसे रॉडी शीट क्लोज हो, मेरा काम मेरा दिल मैं जो हूँ यही हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम माय बर्थ, ओके ठीक है मैं यही हूँ। अब मेरे को इसके अंदर बीच के अंदर बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व करना चाहे तो मैं सारे चीजों से फाइट करके आज वही कर रही हूँ जो मैं चाहती थी, ठीक है। तो ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा गोल था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं गरीबों की मदद करूँ, औरतों के लिए उनकी सपोर्ट करूँ, जो लफ्ज ए वुमन नॉट फॉर मुस्लिम वुमन, समझा, हर वो औरत जो तकलीफ में है उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कोई उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके लिए मैं ठहरना चाह रही थी, वो आज मैं ठहरी हुई हूँ मेरी जगह पे। మీరు అంటున్నారు మహిళల కోసం నేను సేవ్ చేస్తాను వాళ్ళని ప్రొటెక్షన్ చేస్తాను అంటున్నారు, కానీ ఇంత సేవ్ చేసినా కూడా మీరు మౌలాలీలో MIM కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అంత తక్కువ ఓట్స్ తోటి మీరు ఓడిపోవాల్సి వచ్చింది? మీరు అంటున్నారు ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను మహిళల కోసం పోరాడుతున్నాను అంటున్నారు. ఇది దేఖియే ఏ తో సదర్ సాహబ్ జాన్తే మీకు జాకే వా ఫైట్ కరో బోలే మే జాకే వాకి ఫైట్ కర్లి అబ్ మేరకు జో ఉనో ఉన్కే తరఫ్ సే జో హుకుమ్ ఆయా థా వో పూరా కరీ మే. अब मेरा ये था कि भाई कांग्रेस एंड MIM अलायंस है, मैं जीतूंगी सोची, क्योंकि मेरे को जितना भी वहाँ का रिस्पांस था बेहतरीन था, तो ऑलरेडी वहाँ पे मैं जैसा कि फरा हूँ, मेरे नाम से वोटर आईडी नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो कौन जाके वोट डालेंगे बताइए आप? तो ये अंधा कानून मैं बोलूँ ना, मैं पूरा बनाए हुए थी, ये अंधी पॉलिटिक्स है, ये पूरा ऑलरेडी वहाँ पे उनके वोटर्स थे, ऑलरेडी बना के रख लिए थे वोटर लिस्ट उन लोगों ने, जो कि मैंने गिरी, मैंने तो सीधा साफ जाके इलेक्शन लड़ना चाहा, मैंने समझे बेस ऑन ट्रूथ, जो बेस ऑन एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए, मैं वो हिसाब से जाके मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी मैं वहाँ पे कि भाई मैं लड़ना चाह रही हूँ, और मैं चाहे अगर मैं यहाँ जीत जाती हूँ तो मैं वो चीज़ करूँगी मेरे कम अज़ कम मेरी लिमिट के अंदर, जैसा कि मैं सैदाबाद में मेरा ऑफिस है, आस पास में किसी को कोई प्रॉब्लम होता फरा के पास आते वो लोग, तो अगर मैं कॉरपोरेटर बनती आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई कॉरपोरेटर बनना चाहिए था। ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు లేదు, ఒకవేళ MIM వచ్చి మీకు ఏదైనా టికెట్ ఇచ్చి పోటీ చేయండి అంటే చేస్తారా? నే నే MIM से टिकट के लिए हमने ही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि कहीं भी जाके अपने को अगर कुछ करना है तो आज के टाइम में हमको पहले वहां घुसना पड़ता, अगर हम किसी की गरीब की भी मदद करना चाह रहे हैं तो हमको बैकग्राउंड सपोर्ट होना है, हम अकेले, अब जैसा कि अभी मेरे पे केसेस फाइल हुए, क्यों हुए? क्योंकि कोई पार्टी नहीं थी मेरे साथ में, मैं किसी के अच्छा करने के लिए जा रही हूँ तो सामने वालों ने उसको रॉन्ग वे में बता के पुलिस के पर के पुलिस के पास जाके केस बुक करा, जबकि पुलिस को चाहिए था कि फरार ने इनको थ्रेट किया, क्यों किसी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए थ्रेट किया? कोई अगर कोई गलत कर रहा तो उसको थ्रेट नहीं करेंगे, उसको बुला के काउंसलिंग नहीं करेंगे? अगर हम काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो क्रिमिनल हो गए हम पे पुलिस केस बुक करी क्यों हमारे पे? पहले आपका काम था कि जो कंप्लेनर थे उनको बुलाना था, मेरे को बुलाना था, सामने दोनों को काउंसलिंग करना था कि फराने तुमको कॉल क्यों किया? हाँ भाई ये सोशल वर्कर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू तुम्हारे को एक NGO चला रही है, उन्हें तुम्हारे को कॉल करी एक लड़की के लिए, तो तुम केस कैसा बुक कराते? पुलिस का काम था इसको जो भी था इसको करेक्शन करना पुलिस का काम था, मगर बिना सोचे समझे मेरे पे केसेस बुक कर रही पुलिस। एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं, आप एक काम करिए, मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़ के बोल रही हूँ,
आप 2 बजे रात को एक अननोन पर्सन बन के साइबर क्राइम में कॉल करिए, शी टीम को कॉल करिए, सारे टीमों को कॉल करके देखिए एक बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, एक बच्ची का रेप हो रहा है, कितनी देर में आके आपकी हेल्प करते हैं, मैं भी बता देती हूँ आपको, आप भी देख लो। जब बात कर रहे हक की, जब काउंटर डाली पुलिस मेरे पे, तो मैं अब तो उनके पूरे पर्दे फाश करना मेरे पे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अंजन कुमार सर ये बोले हैं कि जो मैं पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिसकी मैं हाथ जोड़ के उनको सलाम करती हूँ और उनकी रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि भाई आपके सामने जितने ये 100 पिक्चराइज करे हुए हैं जो शरीफ बन के आए हुए हैं ना, उनके पोल आपको जिस दिन बोले आप लोग काउंटर डालें मेरे लिए, कोर्ट में काउंटर डालें, मेरे को बुलाइए, पूरे शरीफों के निखावान निकाल के आपके सामने लेके आके नहीं बता दी, मेरा नाम फराह खान नहीं, चैलेंज से बोल रही हूँ मैं ये बात। इनको क्वेश्चन, चाला मंदी यूथ, चाला मंदी छोटे बच्चे, వాళ్ళు తెలిసి తెలిసి తెలియని వయసులో ఇట్లాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్కి బాగా ఆకర్షణకు లోనయ్యి అది ఇది యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అదే ఒక సీనియర్గా మీరు ఇట్లాంటివన్నీ సమాజంలో చూస్తారు కదా, వాళ్ళకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఐసే సవాల్ మత్ కరో జిస్కా జవాబ్ సున్కే ఆప్ పరేషాన్ హో జాయే ఔర్ పూరి దునియాకు సున్కే శరమ్ ఆ జాయే, బచ్చే కరేంగే క్యా బోలియే ఆప్ మేరే కు, ఎడ్యుకేషన్ నహీ థా, అబ్ తో లాక్డౌన్ హోకే పూరా ఎడ్యుకేషన్ తబాహ్ హో గయా, अब न्यू जो ग्रोथ हो रही, न्यू जो न्यू जनरेशन है पूरी बर्बाद हो गई, टोटली बर्बाद हो गई 2 साल के अंदर। अब 10 साल लगाना आप तो भी वो बच्चे वो हिसाब के नहीं होते। अब इसके अंदर गुंडे कौन बन गए, मवाली कौन बन गए, थीव्स कौन बन गए, ड्रग्स एडिक्ट कौन बन गए, ये सारी चीजों के जिम्मेदार हुकूमत है। बताना मैं चाह रही हूं, आप खाली एक 4 बच्चों को एक कमरे में छोड़ दो, बंद कर दो, उन लोग क्या करते देखो आप लोग पहले, एक घंटा 2 घंटे बैठेंगे उन लोग, 4 घंटे बैठेंगे, उसके बाद क्या करना शुरू करते देखो आप। सो पुलिस ఇప్పటికీ మీ మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టారు కదా, మళ్ళీ ఎవరైనా లేడీ మీ దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? బరాబర్ మేరీ ఆఖరీ సాంస్ తక్ కరుంగీ మై, వైసే లడ్కియోం కే లియే ఔరతోం కే లియే చాహే వో కౌన్ సీ బి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ సే రఖతే హోంగే, మేకు కోయి లేనా దేనా నహీ హై, जो भी प्रॉब्लम में रहेंगे उनके लिए बराबर फाइट करी हूँ, बराबर करूँगी। रह गया सवाल, हाल ही में यहाँ पे बच्चों की जेल में एक नया इशू बन गया माओं के लिए कि उनके बच्चों को उठा के लेके आके यहाँ पे डाल दे रहे हैं ये बच्चों की जेल में, ज़रा जाके वो भी पता करो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं एक बच्चे को छुड़वाई थी वहाँ से, अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं। మహిళల విషయంలో సపోర్ట్ చేసే వారి మీ ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ముందుంచి నిలబడి మేము వాళ్లకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేంత వరకు తిరిగే వాళ్ళం తప్ప, ఇలాంటి బెదిరింపులు కానీ కిడ్నాపులు కానీ ఇంటికి వెళ్ళి దౌర్జన్యం చేయడం లాంటి అలవాటు మాకు లేదని అంటారు. ఏదైతే మొదటి నుంచి పోలీసు కుటుంబాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ఫరా ఖాన్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతుందో అది అవాస్తవం అనేది మాత్రం స్పష్టంగా అంటున్నారు. నా పైన మోపినటువంటి కేసులన్నిటిపై కూడా నేను క్లియర్ చేసుకొని క్లీన్ చిట్తో మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్లో సోషల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేస్తానంటూ మాత్రం రాజ్ న్యూస్తో మాట్లాడుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో రవితేజ, రాజ్ న్యూస్.